सब्सक्राइब कीजिए ऑटम अप टेक को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मारुति सुजुकी या मारुति सुजुकी इंडिया 50% से भी ज़्यादा शेयर होल्ड करती है अपने सेल्स के मार्केट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी ने अब तक कितने इंजिन्स यूज़ किए हैं, यानी कि मैं रीसेंट लिस्ट में बताने वाला हूँ और करंट लिस्ट भी बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी के पास कितने इंजिन्स है और रिसेंटली 5, 6 या 7 साल में उन्होंने कितने इंजिन यूज़ किए हैं। प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में भी कौन से इंजिन वो लेके आने वाले हैं इंडिया में। तो आज बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के इंजिन्स की। मैंने ज़्यादा पुराने इंजिन इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑटो टेक में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मारुति सुजुकी ने फर्स्ट कार मारुति 800 बनाई थी इंडिया में और उसी की वजह से आज भी लोग गाड़ियां खरीदते हैं मारुति के टैग की वजह से। तो उनका पहला इंजन जो है वो है 800 सीसी का इंजन जो डेवलप करता है 34.2 bhp का पावर जो मारुति 800 में यूज़ होता था। और करंटली ये ऑल्टो 800 और ओमनी में यूज़ होता है। ओमनी मतलब मिनी वैन जिसको आप कहते हैं। एक्चुअली इसका 796 सीसी का इंजन है जिसको हम लोग 800 सीसी कहते हैं। सेकंड इंजन है इसका, वैसे हम लोग बात कर ले एक डीजल इंजन की, जो एक छोटा इंजन उन्होंने बनाया था सेलेरियो के लिए, वो था 793 सीसी का डीजल इंजन जो डेवलप करता था 47 bhp और यूज़ होता था सेलेरियो में जो डिसकंटिन्यू हो गया थोड़े साल पहले। अब सेकेंड इंजन की बात करते हैं तो वो है K10 इंजन, 998 या 1000 सीसी का इंजन है, 1 लीटर इंजन है जो डेवलप करता है 67 bhp का पावर और यूज़ होता है वैगना, सेलेरियो और ऑल्टो K10 में। ये काफ़ी रिफाइंड इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है और माइलेज भी अच्छी निकाल लेता है। थर्ड इंजन की मैं बात करूँ उससे पहले बता दूँ कि ये जो इंजन है वो पहले ऐसी न्यूज़ थी कि इंपोर्ट करके लेके आने वाले और इंपोर्ट करके लाए भी थे, लेकिन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूरोप में। और वो इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट इंजन जो बलेनो RS में यूज़ होता है जिसकी पावर डिलीवरी है 110 bhp। बलेनो RS एक हॉट फास्ट हैचबैक है जिनको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर हैचबैक चाहिए होती है, वो बलेनो RS परचेस करते हैं। अब बात करते हैं इसके फोर्थ इंजन की जो अभी कोई भी कार में यूज़ नहीं होता है, बट जब वैगन आर आई थी फर्स्ट जेन या सेकेंड जेन, यानी कि 2010 से पहले जितनी भी वैगन आर थी उसमें ये इंजन यूज़ होता था। ये है 1.1 लीटर या 1100 सीसी का पेट्रोल इंजन जो 64 bhp का पावर डेवलप करता था। वैगनर जो 2010 से पहले आती थी फर्स्ट और सेकेंड जन, उसमें ये यूज़ होता था, बट 2010 के बाद इसमें K10 इंजन मारुति वाले यूज़ करने लगे जो अभी भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके मोस्ट पॉपुलर पेट्रोल इंजन की जो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी है 1197 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसकी पावर डिलीवरी ट्यून होती है फ्रॉम 81.8 bhp टू 83 bhp। ये इंजन मोस्टली मारुति सुजुकी की सब कार में यूज़ होता है जिसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलेनो, डिज़ायर, इग्निस और यहाँ तक कि ईको में भी यूज़ होता है, बट उसकी ट्यूनिंग अलग है। ईको पेट्रोल की ट्यूनिंग 73 bhp है और ईको CNG की ट्यूनिंग 63 bhp है और बाकी सारी कार्स के लिए 81.8 से लेके 83 bhp है। हालांकि रिट्ज करके एक हैचबैक भी आती थी उसमें भी यही इंजन यूज़ होता था। अब बात करते हैं एक ऐसे इंजन की जो इकलौता डीजल इंजन है मारुति सुजुकी के पास। हालांकि दूसरे इंजन्स भी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बाद में, बट ये इंजन मारुति की जितनी भी कार्स में डीजल ऑप्शन अवेलेबल है सब कार्स में यही इंजन यूज़ होता है। ये है 1.3 लीटर DDIS 200 फियट सोर्स्ड मल्टीजेट इंजन। फियट से ये लोग खरीदते हैं और ट्यून करते हैं अपने हिसाब से और अपनी कार्स में लगा के बेचते हैं। इसकी पावर डिलीवरी भी दो ट्यूनिंग में आती है, एक है 74 bhp और एक है 88.5 bhp। अब ये कौन सी कार्स में यूज़ होता है, तो स्विफ्ट में यूज़ होता है, बलेनो में यूज़ होता है, डिज़ायर में यूज़ होता है, ब्रिज़ा में यूज़ होता है, एस क्रॉस, CS और एर्टिगा सभी कार्स में ये यूज़ होता है जिसमें डीजल ऑप्शन अवेलेबल है। इग्निस में भी ये आता था बट उसको डिसकंटिन्यू ऑलरेडी कर दिया है इसी साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजन की जो है पेट्रोल इंजन 1373 सीसी यानी कि 1.4 लीटर इंजन
जो डेवलप करता है 91.1 BHP, जो एटिगा अभी मिल रहे हैं उसमें यूज़ होता है, और जो पुरानी सियाज आती थी यानी इस साल जो अभी सियाज फेसलिफ्ट आए उससे पहले के जनरेशन में जो पेट्रोल इंजन यूज़ होता था वो ये था 1.4 लीटर वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजन की, जो बिल्कुल नया इंजन है जो नई सियाज में यूज़ होता है, वो है 1.5 लीटर K15 सीरीज इंजन, जिसकी कैपेसिटी है 1462 क्यूबिक सेंटीमीटर और पावर डेवलप करता है 103.25 BHP। ये काफ़ी अच्छा इंजन है, रिफाइंड है, के सीरीज से डिराइव किया गया इंजन है, जो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ सियाज में जो अभी आई है, बट जो एर्टिगा आने वाली है बहुत ही जल्द उसमें भी यही पेट्रोल इंजन यूज़ होगा, और मेरे हिसाब से जो ब्रेजा पेट्रोल आएगी उसमें भी यही इंजन यूज़ करेंगे मारुति वाले, और मेरे हिसाब से अगर एसक्रॉस पेट्रोल आती है तो यही इंजन मारुति वाले यूज़ करेंगे, 1.5 लीटर वाला इंजन। ट्यूनिंग इसकी आसपास रहेगी बट यही इंजन उनके पास ऑप्शन में रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजन की, जो डिसकंटिन्यू हो गया है। अफसोस ये डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि इसकी सेल्स फिगर नहीं आ रही थी। ये होता था यूज़ एसक्रॉस में, जो है 1.6 लीटर DDIS 320 इंजन, जो फियट सोस्ड ही था बट मारुति वाले अपने टैग से बेचते थे ट्यूनिंग करके। 1598 cc उसकी कैपेसिटी थी और 118 bhp की पावर डेवलप करता था। एसक्रॉस में एक ऑप्शन आता था 1.3 और 1.6 दोनों का, जो फेसलिफ्ट आया एसक्रॉस का उसके साथ वो ऑप्शन चला गया, तो ये अभी फ़िलहाल कोई कार में यूज़ नहीं होता है, बट शायद से अगर वो एक क्रेटा राइवल कार जो ला रहे हैं इंडिया में उसमें ये इंजन यूज़ हो, क्योंकि वो ब्रेजा से ऑफकोर्स बड़ी होगी क्रेटा के कंपटीशन में, तो ये इंजन मेरे हिसाब से उसमें यूज़ होना चाहिए। ये जो लिस्ट मैंने बताई आपको, ये सारे इंजन या तो यूज़ होते हैं या डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन अब जो इंजन मैं बताने जा रहा हूँ वो मारुति सुजुकी की अपकमिंग कार्स में ये इंजन यूज़ होगा। ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, फाइनली मारुति सुजुकी डीजल इंजन लेके आ रहा है जो नया होगा और जो 1.3 से ऊपर होगा, 1.6 से नीचे होगा। हालांकि जो 1.6 लीटर वाला इंजन था वो मारुति इम्पोर्ट करके लाती थी, और ये भी वन ऑफ द रीजन था कि उन्होंने एसक्रॉस में ये इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये जो नया इंजन है 1.5 लीटर डीजल इंजन वो जल्द ही आ जाएगा। जैसे कि आप सभी ने देखा कि सियाज नहीं आ गई बट उसमें 1.3 लीटर वाला ही पुराना इंजन यूज किया गया है, और मेरे हिसाब से जो नई एटिगा आएगी उसमें भी वही 1.3 लीटर वाला इंजन यूज होगा एटलीस्ट इस साल तक। नेक्स्ट ईयर दोनों में नया इंजन आ जाएगा जो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और शायद से ये एसक्रॉस में भी अपडेट कर दे, क्योंकि वो कार भी 1.3 वाले इंजन के साथ अंडर पावर फील होती है। अब ये इंजन कितनी पावर डिलीवरी डेवलप करेगा तो उसकी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। कोई कहता है 100 BHP और कोई कहता है 110 BHP, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो वो 105 के आसपास हो जाएगा, 100 to 105 BHP तक का पावर डेवलप कर देगा, जो एर्टिगा एस क्रॉस और सीएस के लिए थोड़ा बहुत नज़दीक हो सकता है, यानी प्लस माइनस हो सकता है। तो ये थी लिस्ट जिसमें मैंने आपको बताया 10 या 11 इंजन जो मारुति सुजुकी यूज़ करती है और आने वाले हैं या यूज़ हो चुके हैं, डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा जो शायद थोड़ा अलग है। मारुति सुजुकी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये सबसे लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, आपकी अप्रिसिएशन हमें पसंद आती है। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दो, वहाँ पे एक डेली पोस्ट आता है, रोज़ मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारत माता की जय।